नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। हरदोई क्षेत्र में सामाजिक कार्य में अग्रणी भारत उन्नयन ट्रस्ट द्वारा वित्त पोषित जन कल्याण समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी हरदोई आकांक्षा राणा उपस्थित हुई। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथि आकांक्षा राणा को भारत उन्नयन ट्रस्ट के ट्रस्टी व जन कल्याण समिति के संचालक अनुज कुमार सिंह ने प्रतीक चिन्ह देकर व कार्यक्रम की आयोजिका स्वाति सिंह ने शॉल देकर सम्मानित किया। संस्था की निर्देशिका व इस कार्यक्रम शीतला शक्ति की मुख्य आयोजिका स्वाति सिंह ने नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, जीवन के सभी क्षेत्रों में लैंगिक भेदभाव को खत्म करने की आवश्यकता हेतु महिला सशक्तिकरण पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संस्था की कोष अध्यक्ष शिका सिंह ने बारी बारी से विभिन्न क्षेत्रों की कार्यरत महिला गांव की मुखिया, जिला पंचायत सदस्य पूजा देवी, महिला सुरक्षा कर्मी, महिला चिकित्सक डॉक्टर मंजूषा गुप्ता, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर शिवानी पटेल आदि को प्रतीक चिन्ह व शॉल देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि आकांक्षा राणा ने बताया, नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उसके सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता महसूस हो रही है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ उनके आर्थिक फैसलों, आय, संपत्ति और दूसरी वस्तुओं की उपलब्धता से है। इन वस्तुओं को पाकर ही वह अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा कर सकती है। आज जो आपका शीतला शक्ति कार्यक्रम हुआ है, इसको लेकर क्या संदेश देगी? किस तरह का आयोजन हुआ है, क्या उद्देश्य था इसका? मेरा नाम स्वाति सिंह है और मैं भारत उन्नयन ट्रस्ट की एक मेंबर हूँ। और आज का प्रोग्राम हमने नारी शक्ति के विकास और नारी शक्ति के ही लिए आयोजित किया है। संदेश बस इतना है कि हर दिन नारी शक्ति का होना चाहिए, हर दिन नारियों का होना चाहिए। सिर्फ एक दिन नारियों के लिए मनाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। और यहाँ पर संदेश बस इतना है कि हम सब नारियाँ ही इस देश का भविष्य है और हम सब यही चाहेंगे कि हम इसी प्रकार अपने देश का, अपना, अपने परिवार का नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद।